नागपुरात सोमवारी श्री पोदारेश्वर राम मंदिर समोर अश्विनी अमृतुल्य चहातर्फे प्रसाद वितरित करण्यात आला. यावेळेस त्यांच्याशी खास बातचीत केली आहे VKB न्यूजचे संपादक मुकेश हेडाऊ यांनी. बघूया काय म्हणाले ते. रामलल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज समारोह है, 12 बजे होने वाला है और उसी के अनुरूप पोदारेश्वर राम मंदिर में भी दिन भर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. रामनवमी को नागपुर के इसी पोदारेश्वर राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलती है जो नागपुर की अनोखी एक पहचान है. और आप देख सकते हैं कि सुबह से काफ़ी तादाद में यहाँ पर, सुबह 9 बजे का समय है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर राम भक्त आ रहे हैं. यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा हुआ है जो कि अश्विनी अमृतुतुल्य जो कि चाय है उनके तरफ से लगाया गया है और प्रसाद वितरण का कार्य देख सकते हैं कि आप यहाँ पर चल रहा है. अतुल खोबरागड़े हमारे साथ में, क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा, लेकिन हमें उनके ही जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए 500 समय का ये प्रयास या फिर ये राह देखना पड़ा उनके लिए. आज देश में बहुत बड़ा माहौल है और काफ़ी खुशी का माहौल है. 500 साल बाद रामलल्ला उनके ही जन्मभूमि में प्रस्तावित होने जा रहे और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है. इसी उपलक्ष्य में अश्विनी अमृतुतुल्य परिवार जो कि देश में 14 राज्यों में चाय पिला रहा है, इसी के खुशी के उपलक्ष्य में आज राम जी को 301 किलो बूंदी का भोग हमने लगाया और साथ ही साथ आरती की पुस्तिका का वितरण यहाँ पे होने जा रहा है. आप सभी का प्यार और आप सभी का आशीर्वाद और राम लल्ला जी का आशीर्वाद, इसी के कारण आज हम सब यहाँ पे खुशी के तौर पे ये खुशी मना रहे हैं सभी लोग. और आप हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, अश्विनी अमृतुतुल्य परिवार. बस इतना ही बोलता हूँ, जय श्री राम. अयोध्या में खुलने का कोई प्लान बना रहे अभी? नक्की बिल्कुल, हमारे को हमें, मैं बताना चाहता हूँ, हमें जैसे ही अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ से कम हमें 40 से 45 इंक्वायरी आई है फ्रेंचाइजी के लिए, तो जल्दी अश्विनी अमृतुतुल्य परिवार अयोध्या में भी आपको दिखेगा. जय श्री राम, जय श्री राम. क्या कहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सबको, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना अमृत परिवार की तरफ से. जय श्री राम. आपको कितनी खुशी हो? बहुत खुशी हो गई सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई. जय श्री राम, जय जय श्री राम. आज बड़ी खुशी का दिन है, क्या कहेंगे? आज भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पोदारेश्वर राम मंदिर में इकट्ठा हुए हैं. सभी लोगों ने भगवान राम का दर्शन किया और अश्विनी अमृत तुल्य की ओर से 301 किलो बूंदी का वितरण हम लोग प्रसाद स्वरूप में वितरित कर रहे हैं. और सभी भक्तों को प्रार्थना कर रहे हैं कि इस राममय वातावरण के अंदर भगवान राम का स्मरण करें और उनको महसूस करें. धन्यवाद. जय श्री राम. देख सकते हैं कि अश्विनी अमृत तुल्य की टीम थी जहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है. और जिस तरह से अयोध्या में भी अभी इंक्वायरी आ रही है, अश्विनी अमृतुल्य नागपुर का ब्रांड है और नागपुर का एक विश्वसनीय चाय पीने वालों के लिए ब्रांड है और वो अभी अयोध्या में तैयारी कर रहे हैं. तो ये सुबह सुबह जो नज़ारा है वो पोदारेश्वर राम मंदिर का है जहाँ पर सुबह से भक्त आए हुए हैं. तो समय समय पर हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे. आज नागपुर में VKB न्यूज़ के साथ जुड़ते रहिए, हर जगह की खबरें इस प्राण प्रतिष्ठा को लेके किस तरह के आयोजन है उसकी हम देते रहेंगे. तो जुड़े रहिए VKB न्यूज़ के साथ. जय श्री राम.